नेक्स्ट जोरदार ताले फॉर मिस्टर मधुकर शर्मा, कम ऑन एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम मधुकर शर्मा है, दिल्ली से हूं मैं और बेसिकली रहने वाला हूं राजस्थान के अंदर, बड़ा खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट अलवर, वहां का मैं रहने वाला हूं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पिछले कई सालों से, कई साल बोले तो लगभग 15-16 सालों से मैं सीख रहा हूं और सीखते सीखते, जी हाँ दोस्तों, बोला जाता है, लोग पूछते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कैसे अचीवमेंट आएगी, सीखते सीखते आज मैं आप लोगों के सामने हूं एज ए डीयूसीडी। एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि इस बिजनेस में कैसे हम अचीवमेंट लें। जिस लीडर ने, जो शख्स इस बिजनेस को करता है, अगर उसने इस बिजनेस को करने का कारण बना लिया, उसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं, मेरा जन्म राजस्थान के अंदर हुआ और मेरा जो बचपन बीता वो गांव के अंदर बीता। इस इंडस्ट्री में मैं क्यों आया, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के अंदर मैं क्यों आया, मैं वो बताता हूं आपको। जब मेरा जन्म हुआ गांव के अंदर, तो एक संपन्न परिवार में जन्म हुआ, किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक जब मैं 13 साल का था तो मेरे साथ एक हादसा हो गया। और हादसा क्या था, हादसा ये था कि घास काटने की मशीन में मेरा ये हाथ आ गया और ये हाथ कट गया। और जब मेरा हाथ कटा तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं छोटा था, बचपन था, मुझे इतना आभास नहीं था। फिर धीरे धीरे जिंदगी निकली, 6-7 महीने बीते, 1 साल लगा मुझे रिकवर होने में, लेकिन एक अजीब सी बात मेरे साथ होने लगी। वो ये, लोग पूछते हैं कि इस बिजनेस में क्यों आना है, लोग पूछते हैं इस बिजनेस को क्यों करना है। क्या होने लगा, वो ये होने लगा कि मुझे लोग बोलने लगे कि आपका एक हाथ है, आपका एक हाथ है। मुझे जब इस बिजनेस का प्लान दिया, ध्यान से सुनना, मुझे जब इस बिजनेस का प्लान दिया तो मैंने क्यों किया इस बिजनेस को, मैं बताता हूं। जब मेरा हाथ कटा तो मेरे ग्रैंडफादर टीचर थे, तो बोलने लगे, लोग बोलने लगे कि मास्टर जी आपका जो पोता है उसका हाथ कट गया, अब वो राइट हैंड से लिखता था, अब उसका लिखना बंद हो गया, अब वो स्कूल कैसे जाएगा, अब वो पढ़ाई कैसे करेगा, और अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी, और उसकी नौकरी नहीं लगेगी तो फिर वो शादी कैसे करेगा, और उसकी शादी नहीं होगी तो उसके बच्चे नहीं होंगे, कैसे चलेगा। दोस्त, मेरे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि मैं 13 साल का था, उसका अर्थ नहीं मालूम था, लेकिन मैं सोचता था कि हाथ कटने से कैसे हाथ कटने से पढ़ाई, नौकरी, शादी और फिर बच्चे, ये क्या सीक्वेंस है। फिर मैंने क्या किया, मेरे को लगा मधुकर अगर हाथ कट गया है ना, अभी तेरे पास दूसरा हाथ है, इससे तो लिखना शुरू कर। लिखना शुरू किया, 1 साल लगा मुझे, कमरा बंद करके मैं लिखता था रोता था, मुझे सिर्फ प्रूफ करना था, नहीं मैं लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिर मैंने स्कूल जाना शुरू किया, फिर 10th हुआ, 12th हुआ, बीए हुआ, फिर एमए हुआ, उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, फिर नौकरी लगी, उसके बाद फिर नौकरी लगी तो फिर किसी ने इंडस्ट्री मुझे बताई, जब इंडस्ट्री बताई तो इंडस्ट्री के अंदर मुझे बताया कि यहाँ से आप कार ले सकते हो। और हमारे गांव में 2 तरीके से कार आती थी, या तो दहेज में आती थी, या जमीन बेच के कोई कार लेता था। तो मेरे को लगा नहीं, अब मौका है इस बिजनेस के अंदर सिकंदर बनने का। दोस्तों सुनिए ध्यान से, स्टोरी को मैं बिल्कुल क्लोज करता हूँ, खत्म करता हूँ। आज वही लड़का जिसको लोगों ने बोला था इसका हाथ कट गया, कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी जिंदगी खराब, इससे अच्छा ये मर जाता तो ठीक था, वही लड़का आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, इस सबसे बड़े स्टेज के ऊपर और सबसे बड़े डेजिग्नेशन के रूप में खड़ा है। सिर्फ लोग बोलते कैसे चुमेट आएगी, एक भजन सुना होगा आपने, जिंदगी की डोर सौंप हाथ रघुनाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। संगत बनानी है आपने अपने मैनेजमेंट की, अपने एम्बेसडर की, अपने डीयूसीडी की, अपने डीसीडी की, अपने यूसीडी की, 5 साल जो वो बोले दोस्तों कर देना, स्वयं नारायण भगवान आएंगे, आप
आपको यहाँ पर आके डीसीडी की पिन देंगे, ओडी कार की चाबी देंगे और आपको डीसीडी बनाएंगे, स्वयं भगवान आएंगे। चार साल से मैं चीज कर रहा हूँ, लगभग पौने 2 करोड़ रुपए अकाउंट में आ चुके हैं। 15 दिनों में मैंने क्राउन किया था, 45 दिन में यूसीडी किया था, 101 दिन में डीसीडी किया था, 11 महीने में ओडी ली थी, क्योंकि मैं पहले से इस बिजनेस में था, पहले से एक्सपीरियंस था, इसलिए जल्दी कर लिया। और एक ही चीज बोलूंगा, इस स्टेडियम आ जा पाए, पीछे बैठे कहीं भी, मैंने भी बहुत सारे दोस्तों पीछे बैठ के ताली बजाई है, लेकिन एक काम मैंने किया, लगातार करता रहा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, लगातार काम करने की आदत एक इंसान को भगवान बनाती है। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर कभी मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों आगे जोरदार तालियां फॉर शिवम गोस्वामी, कम ऑन एवरीबॉडी।